ठीक है, सबसे पहले देखो ध्यान पे, लास्ट टाइम अपन ने मीडियन के कंटिन्यूस डेटा के सम किए थे, है ना? तो कंटिन्यूस डेटा के सम किया था, आज हम लोग करेंगे नॉन कंटिन्यूस डेटा। मैंने फिर से बताया था आपको, क्वार्टाइल, मीडियन, डिसाइल, परसेंटाइल वाला फंडा बताया था। अगर आपने मीडियन के सभी वैरायटी कवर कर ली है ना, तो क्वार्टाइल और डिसाइल और परसेंटाइल में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? और आप लोगों से गुजारिश है, रेगुलर लेक्चर आओ वरना मत आओ, क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है? जिसको लगता है घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकता है, टेक द सब्सक्रिप्शन, घर पे बैठ के पढ़ो, आशीष सर उधर भी पढ़ाएंगे फ्री में, लेकिन टाइम पास करने के लिए मत आओ। एक दिन आ रहे, चार दिन गायब रहेंगे, सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, लिंक टूट जाएगा। अभी मीडियम जिसने कंटिन्यूस किया उसको नॉन कंटिन्यूस जल्दी समझ में आएगा, उसको क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल जल्दी समझ में आएगा। एक दिन आएगा, चार दिन गायब रहेगा, तो ऐसा चलता नहीं है। ऐप पे है, ऐप पे जाके आराम से पढ़ाई करते रहो घर पे बैठ के। अभी आधी पब्लिक गायब है, क्यों गायब है मालूम नहीं, रीजन कुछ नहीं, तो वैसा नहीं चाहिए, ठीक है? तो उधर से भी पढ़ सकते, पढ़ने वाला बच्चा किधर से भी पढ़ सकता है, उल्टा मैं जब चाहे वो हाजिर हो जाऊंगा वहां पे पढ़ाने के लिए, लेकिन रेगुलर आओ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूस डेटा वो ने किया था, उसी के जैसा आपको कंटिन्यूस की जगह नॉन कंटिन्यूस करना है। बट आइडेंटिफाई कैसे करना पहले वो समझ के लो। हमने क्या देखा था कंटिन्यूस में कि 0 to 10, तो 10 to 20 शुरू होता था, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर 1 नंबर 2 नंबर 400 नंबर 1000 नंबर आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी है, जैसे 0 to 1000, है ना? तो अगला वाला चालू होने के लिए 1000 से 1 से लेके 2000 हो सकता है, या 2000 से 3000, तो दोनों के बीच में 1000 का गैप है। गैप कैन बी एनीथिंग, जो बीच का डिफरेंस है वो कितना भी हो सकता है, हम लोग बोल नहीं सकते कितना है, बट कंटिन्यूस नहीं है वो। जहां पे खत्म हुआ वहां से शुरू नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूस डेटा। मतलब 34 को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ा, 35 भी, तो ये हो गया आपका नॉन कंटिन्यूस। तो नॉन कंटिन्यूस डेटा को सबसे पहले आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू। तो अब बोलोगे सर कैसे कंटिन्यू करना है, तो बेटा इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, पहले मेरे को बता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। वन जस्ट चेक करो, 1 1 का डिफरेंस है, 44, 45, 49, 50, 54, 55, 59, 60, एक एक का ही डिफरेंस है। तो कैलकुलेटर पे लो, 1 divided by 2, जो भी डिफरेंस है उसका आधा करने का, 0.5 आया, हाँ है ना? अब क्या करो मालूम है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, उसमें से माइनस करने का, क्या करने का, माइनस, और राइट हैंड साइड में प्लस करने का, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करने का, राइट हैंड साइड में प्लस करने का, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, राइट हैंड साइड में प्लस। कैलकुलेटर पे लो, कैलकुलेटर पे लो, 30 minus 0.5, 29.5, क्लियर? अब क्या करोगे, 35, पहले हम लोग लेफ्ट साइड का करके लेते, 35 minus 0.5, 34.5, 40 minus 0.5, बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, कैलकुलेटर लो, होता होता बेटा मोबाइल है ना, मोबाइल एग्जाम देखा, एग्जाम के पेपर में लिखा रहा है कैलकुलेटर अलाउड होता है, मोबाइल इज नॉट अलाउड। कितने, मैंने ऐसा तो बोला नहीं था कि एडमिशन के टाइम पे आपको कैलकुलेटर क्लासेस द्वारा दिया जाएगा। अरे भाई साहब, एक अच्छा कैलकुलेटर पे पैसा लगाओ, 150, 200, 250, 300, 500, 5000, 10000 वाला एक अच्छा कैलकुलेटर ले लो और उसको यूज करो। कैलकुलेटर पे हाथ बैठेगा तभी कैलकुलेशन आएगा। लोग बोलते हैं कैलकुलेटर पे हमारा हाथ नहीं बैठता, कैसे बैठेगा, तू बैठाएगा ही नहीं, तो घर पे बैठने का 2 + 2, सामने वाले को बोलने का, भाई को बोलने का, बहन को बोलने का, नंबर बोलेगा, तो उधर प्लस करते बैठ, माइनस करते बैठ, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते है, एक हफ्ता भी प्रैक्टिस किया ना कैलकुलेटर पे हाथ बैठ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैलकुलेटर पे बैठ करोगे तो ही कैलकुलेशन जल्दी समझ में आएगा, उसमें ही सारे शॉर्टकट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो एक अच्छे कैलकुलेटर पे पैसा लगाना जरूरी है, और अगर अच्छा कैलकुलेटर है तो चाइना के कैलकुलेटर पे भी पैसा लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन वो चाइना वाला वही है कि सुबह खरीदा शाम तक,
कब तक चलेगा वो अभी अपने को भी पता नहीं। हाँ नहीं, पेपर में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमें हमेशा दो कैलकुलेटर कैरी करता हूँ एग्जाम देने के टाइम पे, दो कैलकुलेटर कैरी करता हूँ, हमेशा आदत है मेरी। जब भी मुझे पता है क्या कैलकुलेटर अलाउड है, तो ऑब्वियसली एम कॉम का एग्जाम मैंने दिया है, बीकॉम के तीनों एग्जाम्स दिए, तीनों साल के एग्जाम, एमकॉम के दोनों साल के एग्जाम, पीजीडीएफएम के एग्जाम्स मैंने जो भी दिए है, जहाँ जहाँ कैलकुलेटर अलाउड है वहाँ पे दो दो कैलकुलेटर लेके जाता था, क्योंकि मेरे को कैलकुलेटर में बिल्कुल भरोसा नहीं है, कभी भी बंद हो जाता है तो नसीब खराब। नहीं ऐसा नहीं, एक नया खरीदो तो चुना खरीद, ऐसा दो कैलकुलेटर हमेशा यूज करने का। नाउ कैलकुलेटर पे लिया 30 - 0.5, जो बोल रहा वो करना, 30 - 0.5 = 35 = 35 = = 40 = 45 = 50 = 49 55 = 60 = मतलब बार 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 तुम्हारी आदत कैसे आने में कैलकुलेटर लेते हैं। 30 - 0.5 = फिर अगला नंबर 35 - 0.5 = फिर ऐसा नहीं करने का बेटा। 30 - 0.5 = दबाया, सेकेंड वाला नंबर क्या है 35 = ठीक है, लास्ट में 40 = लाइन से उसको दबाते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैशियो का कैलकुलेटर है, बहुत कम जगह पे अप्लाई होता है, शॉर्टकट वहाँ पे हमेशा, मैं इसलिए बोलता हूँ सिटीजन का कैलकुलेटर यूज करने का, उसमें मैक्सिमम शॉर्टकट्स अप्लाई होते हैं, वो उसमें फ्लेयर का फ्लेयर में भी होता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ऐसे दिखने वाले कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। दिस इज नॉट अ बोलते हैं प्रमोशनल वीडियो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट जल्दी अप्लाई होता है। 30 - 0.5 = 35 = 40 = 45 = 49 = ठीक है, तो ऐसे टाइप के कैलकुलेटर में जल्दी शॉर्टकट अप्लाई होता है, ऐसा दिखने वाला ये तो समझ लो ना चाइना वाला है, बहुत आगे है। ऐसे कैलकुलेटर इस्तेमाल करो तो शॉर्टकट जल्दी अप्लाई होता है उसमें, ठीक है। अब आ जाओ लेफ्ट साइड में, हम लोग ने माइनस किया है बेटा, तो राइट साइड में क्या करेंगे, प्लस प्लस करो। चलो 34.5, इसको तो करने का भी जरूरत नहीं है, सब में 0.5 लगा दे, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो एंडिंग नंबर है वही आपका स्टार्टिंग नंबर बन गया है, मतलब अब ये क्या हो गया, नॉन कंटिन्यूअस को आपने कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया था, तो उसको एज इट इज आड़े को खड़ा करना वाला कॉन्सेप्ट ही है। अब आपको क्या करना, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करना है बेटा, पहला नंबर एज इट इज, फिर 4 + 7 = 11, 11 + 15 = 26, +21 = 47, +18 = 65, +10 = 70, +5 = 75, n का वैल्यू आ गया 80। क्लियर है क्या? अब बेटा करना क्या है, n इज इक्वल टू 80, तो अपने को n अपॉन 2 करना है, 80/2 दैट इज 40। सर अगर क्वार्टाइल होता तो डिवाइडेड बाय 4, डिसाइल होता तो 10, परसेंटाइल होता तो 100, ठीक है। 40 बोला है, 40 के ऊपर का पहला CF क्या है, 47, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लाइफलाइन हो गया। अब यहां तक नहीं जाना बेटा, यहां तक ही, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ना, जहां तक कंटिन्यूअस है वहां वही अपना आंसर होने वाला है। चलो सबसे पहला बेटा L1 क्या होगा बताओ,
L1 44.5, दोनों का डिफरेंस कितना बेटा 5। कैलकुलेटर पे लेके कर सकते हो, 49.5 माइनस 44.5 तो 5 आएगा। इसके आगे यहाँ पर आ जाओ F21 और व्हाट इज माय CF 26, L1 HF CF, क्लियर है क्या? नंबर्स कैसे लेना है? नाउ मीडियन का फॉर्मूला पता है ना, जो हमने पिछली बार किया था वही मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा बेटा। मीडियन इज इक्वल टू L1 plus N upon 2 minus CF into H upon F। व्हाट इज माय L1? 44.5 प्लस N by 2 40 माइनस CF 26 इंटू H 5 F 21। मैंने बताया आपके पास कैलकुलेटर जैसी अजूबी है तो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेटर पे करोगे। 40 माइनस 26, 14 इंटू 5 70 अपॉन 21 एड अप विद द 44.5। अब यहाँ पर केजी बोला तो यहाँ पर भी क्या आएगा? केजी मीडियन। अच्छा केजी अब बोला, मेरे को लगा केजरीवाल बोलेगा। ठीक है मीडियन इज इक्वल टू आ गया आंसर। क्या करेगा तू जान के? हमारा प्राइम मिनिस्टर है, बहुत हमारे पे कैलकुलेशन डाला हुआ है। घर पे बैठो हिसाब करो, महीने क्या करी मैं, कितना पेट्रोल का है। अभी टी वाई वाले को उस दिन लेक्चर दिया मैंने, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। FI मेरे के टी वाई का लोगे ना? नहीं ठीक है, तुम्हारे साथ तो छोटा सा क्लिप शेयर कर दूंगा। वो मैं उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ा रहा था, टॉपिक पढ़ा रहा था, तो उसमें था सैलरी टू MP MLA। MP MLA खासदार आमदार नगर सेवक लोग को पैसा ऐसा मिलता है ना, तो वो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो कॉन्सेप्ट समझा रहा था। तो उसमें कॉन्सेप्ट में मैंने बोल दिया है, ले लिया समझ लो, समझ लो ऐसे ना। कम टू दस क्लास इंटर, अभी सेकेंड सम की तरफ आता है, सेम कैलकुलेशन होगा बेटा। क्यों? क्योंकि 9 पे खत्म तो 10 पे सर, अगर ये कंटिन्यू होता तो ये कैलकुलेशन, ये कॉलम आता ही नहीं, डायरेक्टली सम आता था। तो सबसे पहले इसको क्या करो, क्लास इंटरवल को चेंज करो, रेंज बाउंडिंग करो ना। अरे कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, तो कैलकुलेटर लेते हैं। चलो 9 माइनस 10 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आएगा? 0.5। सिंपल बोलते ना, सिर्फ चेक करना कि कोई गैप ना हो जावे। 5 माइनस 0.5 10 माइनस 14.5 20 का 25 का 24.5 30 का 35 का 34.5 दिक्कत। उसके बाद 9, अब जहां पे माइनस किया तो वहां पर क्या करेंगे? प्लस करो 9.5 14.5 19.5 24.5 29.5 34.5 39.5। दिक्कत है बेटा, मैं जो सीक्वेंस में आपको सम सिखा रहा हूं, अगर वही सीक्वेंस में आप सम प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, गारंटी देता हूँ किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब 5-5 मार्क का सम है। जिस सीक्वेंस में सम सिखा रहा हूँ वही सीक्वेंस में सम प्रैक्टिस करना। हमारे क्लास का डिग्री सेक्शन का एक ही मोटो है, बच्चा कैसा भी हो केटी नहीं लगने देंगे। ये बोल तो दिया मैंने, लेकिन बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो ब्रह्मा भी आके आपको। मैथ्स और अकाउंट्स में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक गाइडेंस दूसरा प्रैक्टिस। मैं तो गाइडेंस का काम कर रहा हूं, मैं तो बताने का, मैं सिखाने का काम कर रहा हूं, लेकिन घर पे कभी बुक ही खोल के नहीं देखा, प्रैक्टिस ही नहीं किया एग्जाम के पहले। या 10 बजे एग्जाम है और 7 बजे बुक खोलेगा तो कैसा पास होएगा?
लेकिन इतना बोल रहा हूँ, जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ या जो भी क्वेश्चंस में करा रहा हूँ उसका एनी टाइम एक्सेस तुम्हारे पास होगा ही। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा चीज़ है कि रेगुलर प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। दिन में दो सम ही करो, लेकिन करो, ठीक है। फिर आ जाओ फ्रिक्वेंसी के बाद का कॉलम क्या आएगा, लेस देन सी एफ, लेस देन सी एफ। अब लेस देन सी एफ कैसे करना है, जिगजैग जिगजैग प्लस, पहला वाला क्या रहेगा सर, एट, एट प्लस 18 26 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 99। तो n का वैल्यू कितना हो गया 99। अब करने के टाइम पे n इज इक्वल टू 99, तो पहले लेना n बाय 2 49.5। चेक कर बेटा 49.5 के ऊपर का पहला नंबर, 49.5 के ऊपर का पहला नंबर 53 है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बेटा L1 क्या है, H, H मतलब डिफरेंस होता है, हाँ। F क्या है बेटा, F और CF 26 डिफिकल्टी। अब क्या लिखेगा बेटा, मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला आ जाएगा L1 प्लस वेरी गुड, फॉर्मूला लिख दो एज इट इज। व्हाट इज माय L1, 49 कैसे, 14 ना, n बाय 2 49.5 माइनस CF 26 इंटू एच 5 एफ 27 14.5 प्लस माइनस कर बेटा इंटू 5 डिवाइडेड बाय 27 4.35 चलेगा, प्लस कर दो 18.85। तो ये हो गया मेरा मीडियन। डिफिकल्टी है क्या, प्रॉब्लम? तो नॉन कंटिन्यूस डेटा में कोई भी दिक्कत है क्या किसी को, श्योर कॉन्फिडेंस? चलो